भाई ये तो गजब वाली ऑफरोडिंग है यार। ब्रो यार कुछ बता दो भाई, यहाँ पर कौन नहीं है? वही मैं ही पूछ रहा हूँ यार। बंद कैसा दिख रहा है मेरे को तो भाई, ये तो बंद। भाई इतनी आसानी से दर्शन नहीं होंगे भोलेनाथ के। ठीक वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। हर हर फाइनली गाइस, यार रेडी हो गया हूँ। बाकी यार ये कुछ अपना आज का लुक रहेगा। और हाँ, अब हम जाने वाले हैं आज छोटा कैलाश। ठीक है जी, तो बाकी वहाँ के बारे में पूरा मैं बताऊँगा आपको डिटेल में, लेकिन अभी रास्ते में, बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा लेट हो गई है ऑलरेडी। अभी टाइम हो गया है 12:15, थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं एज ऑलवेज। बट अब सीधे मिलते हैं आपसे रास्ते में, अपना मोटरबाइक सेटअप रेडी करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हम रेडी हो गए, बस घर से भी निकले हैं। टाइम एग्जैक्ट अभी हो रहा है 12 बज गए हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा लेट हो गई है। और हाँ, छोटा कैलाश जाने का जो मेन रास्ता है वो है आपका अमृतपुर होते हुए, वरना एक रास्ता उसका भीमताल से भी है, बट वो जो प्लेन से आ रहा है उनको लंबा पड़ेगा। तो जो अमृतपुर वाला रास्ता है वहीं से अभी हम जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। ये रहा कौला पुल काठगाम का। ये रोड तो सीधे गई है नैनीताल को, बाकी हमें कटना है थोड़ा भीमताल साइड को, तो हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न। तब आगे जहाँ हमें बैंड लेना है वहाँ मिलते हैं। ठीक है, चलो जी। तो यार ये भी ज़रूरी है। अरे अरे कितनी है? हाँ चलो जी, ऑल सेट। हाँ बस थोड़ी सी कम थी, बट जरूरी है यार ट्रिप में जाने से पहले ना ये सब चीजें जरूरी कर लेनी। नाउ होप यू कैन स्टिल गो, आई नेवर आंसर्ड नो मैन, आई स्टिल गो। यार इस रूट पे ना भली भांति वाकिफ भी होंगे, बिकॉज ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है भट्ट जी का फेमस मठ। खैर वैसे आज मंदिर जा रहे हैं, इस बारे में बात भी करनी थी, बट पड़ता है। और हाँ, ये रहा अमृतपुर का गेट, हमें जाना है यहाँ से सीधे अंदर। बाकी ये रूट गया भीमताल को। यहाँ से ना एग्जैक्ट जो अभी डिस्टेंस है वो है 29 किलोमीटर, और दिखा रहा है मैप में कि 1 घंटा तकरीबन हमें लगेगा यहाँ से। 1:30 बजे तक तो हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। और हाँ, यहाँ से हमें जाना है पिंडरो गांव, जहाँ पर वो छोटा कैलाश मंदिर है। और ये तो गजब वाली ऑफ रोडिंग है यार। ओ भाई भाई, वो ये पूरा टूटा है यार, ये दोबारा बनाया गया है, पता है? तो देखो यार, रास्तों का अपना अलग मज़ा है। बिकॉज डेस्टिनेशन तो हमें पता ही है कि हमें जाना है छोटा कैलाश, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, कैसा रास्ता रहेगा, कहाँ से हमें टर्न लेना है? बिकॉज मेरा भी पहली बार है, तो मुझे भी कुछ आइडिया है नहीं। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, आप लोग को ही बताऊँगा। और वैसे भी यार जर्नी ना एक्साइटिंग होनी चाहिए, है कि नहीं है? बाकी ये देखो एक्साइटिंग का नाम लिया, और हल्का सा ये पानी वाला। तो यार हम गए थे यहाँ से अपने मित्र आदमी से मिलने, बट हमें जाना है इस तरफ न्याय पंचायत पिंडरो, पिंडरो गांव जो मैंने बोला था छोटा कैलाश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस लेट्स गो। और यहाँ से देखो पूरी गोला रिवर देख रहे हो? और यार अब लग रहा है डर, बिकॉज रोड है सुनसान, रास्ता है जंगलों का, और हमें अकेले बंदे है कि नहीं है? तो हवाबाजी हम जितनी पीछे मार के आ रहे थे ना अभी, और यहाँ पर हल्का हल्का हमें डर लगना शुरू हो गया ब्रो। और हाँ, वीडियोस को यार देख तो बहुत लोग रहे हैं, बट यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार ऐसा काम नहीं चलेगा ब्रो। यार अभी सब्सक्राइब करो जिसने भी नहीं किया है। कर दिया? चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 88 वाली बात कर दी आपने, और इसी बात तक घंटा भी दबा दो यार। अब हुई ना बात, बाकी अब कंटिन्यू करते हैं। बातें हो रही है बहुत भयंकर, हमें चलना है आगे, और रास्ता भी ये बहुत ही भयंकर। वैसे यार सोलो राइड का ना अपना एक अलग मज़ा है। ओ भाई आगे का व्यू देखो यार इस बार, वाह भाई इसी बात के तो पैसे हैं, वरना तो सब हम जैसे हैं, है कि नहीं है? व्यू देख रहे हो, व्यू देख रहे हो, वाह भाई हम भी पहली बार देख रहे हैं बाय द वे, हाँ व्यू। तो यार थोड़ी देर का पॉज लिया है, बिकॉज ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वो वहाँ पे घर भी है, तो थोड़ा प्लेन की साइड से आता ना लगता है कि यार पहाड़ की लाइफ बहुत बढ़िया है, 88 व्यू एपिक ये वो, बट जो यार पहाड़ के लोग हैं ना उन्हें पता है कि भाई पहाड़ की लाइफ में कितना स्ट्रगल है।
बाकी एक रील अपलोड करते हैं बढ़िया सी। रील तो हमने बना लिया, पता नहीं शूट कैसा होगा, अगर हुआ होगा अच्छा तो अपलोड करेंगे और अपलोड करेंगे अपनी इंस्टाग्राम में। आईडी पता ही है आपको, KETNNAULA। तो अब और देर नहीं करते हैं, चलते हैं भोलेनाथ के दरबार में, ठीक है जी, लेट्स गो। और हाँ, हर हर महादेव। तो यार ये बैंड आ गया है, अब यहाँ से कहाँ जाना है, ग्राम सभा बानना। तो देखते हैं यार यहाँ से कहीं दिखा है क्या, ग्राम सड़क योजना गौरी बना, भाई ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। L32 किलोमीटर, यार ये तो कुछ है ही नहीं ब्रो, यार कुछ बता दो भाई, यहाँ पर कोई नहीं है, वही मैं ही पूछ रहा हूँ यार। मेरे ख्याल से ये वाला होगा, बनने में तो नहीं आता है वो, सीधा ही होगा ये वाला। एक मिनट यार, फोन वोन चल रहा है यहाँ, सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल तो आ रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा नेट। कह रहा बिल्कुल सीधा है, यूं करके कर रहे थे उंगली, यही होगा, ये बनने वाला नहीं है। ये रास्ता थोड़ा सा ना क्रिटिकल हो गया है, और वैसे भी आगे से कोई बाइक वाले आ रहे हैं उनसे मालूम कर लेंगे। तो छोटे क्लास का यही है, ठीक है धन्यवाद। तो यार यही है, देखा गलत हो ही नहीं सकते हैं ब्रो। भाई छोटा क्लास जाने में ना ये रास्ता है भाई, ये भी बहुत एपिक है यार, ज़रूर आना भाई, जो भी अभी तक नहीं आया है। नहीं दिख रहा, देख रहे हो गोला रिवर। अब पता नहीं ब्रो हमारा कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट व्यू तो भाई एपिक है बहुत सारा। बाकी इसको नाम एक बार ढंग से प्रोनाउंस कर लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। छोटा क्लास का कहाँ से रास्ता है यार, ये वाला, धन्यवाद। ग्राम पंचायत पस्तोला आगमन पर, यहाँ कहीं लिखा है हनुमान मंदिर, अरे यार यहाँ लिखा तो नहीं है। फिर खैर आगे एक घर जैसा दिख रहा है, मतलब कुछ है अगर वहाँ कोई है तो पूछते हैं, वरना फिर उसे जाना पड़ेगा हमें यार। बंद कैसा दिख रहा है मेरे को तो भाई, ये तो बंद है यार, पीछे जाके पूछ ही लेते हैं भाई कि जाना कहाँ को है। मान लीजिए कहीं आगे चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, इससे बढ़िया थोड़ा सा पीछे ही है बस, यहाँ से 100 मीटर नीचे को। भैया अरे छोटे क्लास का रास्ता कौन सा है, छोटे क्लास का रास्ता कौन सा है, छोटे क्लास का रास्ता ऊपर वाला, ठीक है थैंक यू। चलो यार अच्छा भाव हमने पूछ लिया, वरना फिर जाना पड़ता ना पस्तौला के साइड फिर दोबारा वापस ही। लेकिन यार यहाँ पे को ना बोर्ड होने चाहिए पता है, कि यार छोटा क्लास का रास्ता ये है वो है, तो यहाँ जो भी है जैसा भी है व्हाट है वो इट इज। मतलब भाई जो पहली पहली बार आएगा ना उसके लिए तो यार ये बहुत सही है भाई, बहुत सही है। आंटी यहाँ से छोटा क्लास कितना दूर है, यहाँ से छोटा क्लास कितना दूर है, यहाँ से छोटा क्लास, हाँ बाइक नहीं जाती वहाँ को, वहाँ पर अच्छा ठीक है धन्यवाद भाई। वो है चोटी जहाँ में जाना है छोटा क्लास में। इनफैक्ट ये जो पूरी पहाड़ी है ना इसे पूरा छोटा क्लास कहते हैं, इसके पीछे रीज़न है वो आपको बताऊँगा जब हम पहुँच जाएंगे छोटे कैलाश, ठीक है जी। बाकी तब तक के लिए हर हर महादेव। तो यार यहाँ पर किसी से पूछते हैं भाई साहब कि अब रास्ता कहाँ है। अंकल छोटा कैलाश दूर है यहाँ से, छोटा कैलाश आगे अभी दूर कितना होगा, कितना दूर होगा यहाँ से अभी, है अभी 3-4 किलोमीटर शायद। यार अंकल कोई तकलीफ थी उस वजह से अंकल इशारा कर रहे हैं सामने। यार व्यू मतलब मैं थक गया भाई बोलते बोलते कि सामने का व्यू भाई एपिक है यार, एकदम एपिक। अभी देखना कैसे ये बैंड हटेगा, ये देखो भाई वो वाला स्ट्रेच देखो एक बार, थोड़े यहाँ पर रोकते हैं यार। तो भाई ये वाला स्ट्रेच में जाना है अभी, अभी पता नहीं छोटा क्लास ये वाला है या ये वाला है, ये थोड़ा मुझे कन्फर्म करना है। लेकिन भाई जो यार रास्ते के व्यू मिले हैं, मतलब आगे के भी व्यू एपिक एकदम 88 मज़ा आ रहा है। बाकी ऑल गुड, गुट्टू को थोड़ी देर अभी अच्छी खासी धूप आई, थोड़ा धूप का नाम लेते हैं बिकॉज अभी रास्ते में थोड़ा ठंडा भी हमें लग गया है और एक चाय की तरफ लगी है, बट अभी नहीं पियेंगे भाई, मंदिर के पूरे दर्शन करेंगे
उसके बाद ही जो होगा होगा, ठीक है? तो चलें फिर, लेट्स गो। तो यार ये रास्ता है भाई थोड़ा सा खतरनाक, दूर से तो भाई व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा था, बट यार ये रास्ता ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज पूरी रोड में यार ये पत्थर ही पत्थर है, पता है। चलो कोई ना, हर हर महादेव। यार बाइक होती ना कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्कूटी में यार थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। दूर से तो ये स्टेप काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट पास आने के बाद चला ये तो भाई बहुत ही गंदा है। आदि श्री कैलाश धाम। तो फाइनली वो स्ट्रेच पार करते ही ये रहा छोटा कैलाश का मेन द्वार। अब यहाँ से हमारी एंट्री होगी और इसके बाद दर्शन करेंगे हम भोलेनाथ के, ठीक है? लेट्स गो। चलो जी फाइनली, अब थोड़ा सा ही दूर है बस छोटा कैलाश। मतलब रास्ता कहाँ से है? यही गाड़ी को यही रोकनी पड़ेगी आपको। गाड़ी नहीं जाती है ना, खराब हो रहा है बहुत। पैदल ही मार के? नो एंट्री फॉर बाइक स्कूटी। तो फाइनली यार स्कूटी हमने वहाँ खड़ी कर दी है, बाकी अब यहाँ शुरू होता है हमारा पैदल मार्च और हमारा नेसेसरी आइटम एक पानी की बोतल, बाकी ये ट्राइपॉड। हाँ अच्छा वहाँ को। तो यार हम गलत दिशा में जा रहे थे, बट भैया जी ने हमें रास्ता बता दिया, तो ऑल गुड, गुड टू गो। भाई अरे खड़ी चढ़ाइए भाई यहाँ से, भाई इतनी आसानी से दर्शन नहीं होंगे भोलेनाथ के, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।